भी आनंद आने वाली पास्ता। पास्ता तो आपको सबको पसंद होगा ना। हाँ, दो लोग मिलकर बना रहे, एक मैं और मेरी मौसी, तो भाई मौसी पीछे खड़ी है। आज हम लोग दो लोग मिलके एक साथ पास्ता बना रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या किए हैं? ये मैंने पहले पास्ता, ये आप इस तरीके से बनाएंगे, बहुत टेस्टी बनेगा और बहुत ही अलग तरीके से पास्ता हम लोग बनाएंगे। ये और मेरा पास्ता है। ये पास्ता रख दिए इसको उबलने के लिए ना, पानी डाल के इसमें थोड़ा सा तेल डाल दो। हम इनको सिखाते जाएंगे ना कि कैसे बनना। थोड़ा सा इसमें तेल डाल दो, एक बूंद करीब, ज़्यादा मत डालना। थोड़ा सा तेल डाल दोगे तो इससे क्या होगा ना, ये चिपचिप नहीं होगा। बिटिया रानी तेल डालने को तैयार है, लेकिन ज्यादा ना होने पाए। हाँ, डालो डालो डालो। लो पोंछ दो यार, चिपचिपा गया। हो गया? अब चला दो इसको। कभी पानी और तेल मिक्स नहीं होता है। नहीं, लेकिन वो चिपचिप नहीं होता है। ठीक है, तो फिर बनाए। अब ठीक है, अब इसको उबल जाने दो, फिर दिखाते हैं। ठीक, चलो टमाटर काटो। चलो पहले टमाटर प्याज निकालो। बहुत ही सीधे और सरल तरीके से बताएंगे। ठीक, जैसा घर में नॉर्मल कॉमन सभी के घरों में इसी तरह से बनता है, और बहुत ज़्यादा ताम झाम के साथ नहीं, एकदम सिंपल तरीके से। तो टमाटर को पहले धो लेंगे। बोलो फ्रेंड्स, आपने तो देखा ही होगा कि बहुत सारे लोग बनावटी बनाते हैं, मतलब खाना बनाते हैं, खाने को मतलब कैमरे के सामने दिखावा करके बनाते हैं, लेकिन क्या हकीकत में सबके घर में वैसे खाना बनता है? आज हकीकत बताएं, हंसी खुशी। वो तो लोग क्या करते हैं कि बातों को, मतलब जो बात अपने बात करते रहते हैं, रियल बातों को हटा देते हैं कि धनिया डालो, प्याज डालो। तो हम लोग तो हंसी खुशी आज बना रहे हैं, मजेदार वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वैसे तो मैं हमेशा, हाँ, प्याज काटने जो लोग प्याज दिखाते हैं, देखिए प्याज हमने काट ली है, और हकीकत में पूछो कि प्याज काटने के बाद उनके आंखों की क्या हालत होती है, जो हमारे आंखों की हो रही है। वैसे प्याज काटते समय हेलमेट पहन लेना चाहिए, नाक में मास्क लगा लेना चाहिए। तो ये है मेरी प्यारी प्याज, इसको बाद में एक्सपायर कर देंगे पहले। अरे भाई बहुत कौन छीले, अरे हाथ टूट रहा है, अरे देखते लहसुन कहीं रखा है, अरे मिल गया, हम लोग बड़े अच्छे काम चोर है, इसलिए लहसुन मिल गया। लहसुन कौन छीले, तो लहसुन रखा हुआ था, डालो उसमें, तो खुरकुटने में डालो, इसमें डालो। तब सबसे पहले छीला हुआ लहसुन मिल गया है, जल्दी से हम लोग अपना इसको धो दो, कुछ की रही होगी ना। तो ये डाल दिए लहसुन, सारा लहसुन डाल देते जिससे खाने के लिए ना बचे। डालो, बनाओ, जो बनाएगा अपना छीलेगा। ठीक, अब इसको किचन में निकाल लेते हैं। ठीक, अभी मिलते हैं थोड़ी देर में, क्योंकि नहीं वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हो गया? क्या हो रहा है सुभी, कढ़ाई निकाल रही है? कढ़ाई निकाल रही है, पास्ता बनाने में बढ़ झंझट लगता है यार। लोग दिखाते हैं, लोग दिखाते हैं बढ़िया अच्छे अच्छे, पर हम लोग काम, अरे मांझना हम लोगों को पड़ेगा, रखो इसको, इसे बनाओ। बहुत कढ़ाई निकालोगे, बहुत बर्तन करोगे, वैसे भी किचन में काफी सारी चीजें फैल गई हैं, और जो लोग खाना बनाते होंगे उनको पता होगा। ये पास्ता मैंने निकाल लिया है और सब कुछ अस्त व्यस्त है बिल्कुल। अब चल रहे हैं बनाने के लिए। गैस ऑन कर, सबसे पहले क्या डाले? पहले गैस ऑन करो। हो गई ना। अब इसको थोड़ा सा, इसमें पानी था क्योंकि हम लोग थोड़े से इसमें पहले से उबला हुआ था, तो वो भी यूज हो जाएगा। बचा तो वैसे कंजूस नहीं है, मतलब कुछ इसमें आज हकीकत दिखा रहे हैं वीडियो के। हो गया, अब चलो तेल डालो। छटकी छटकी का तो नहीं, बताओ थोड़ा सा और। बस 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 बस, ये तेल जो ऐसे टपक जाता है, इसको ऐसे पोंछ दिया कर। जो भी फ्रेंड्स आप लोग अगर बॉटल से तेल डालते होंगे, ये निश्चित होता होगा कि तेल अगल बगल में आ जाता होगा, तो हम तो ऐसे साफ कर देते हैं ताकि चिपचिपा ना हो, और उसके साथ ही कपड़े से इसको साफ करके रख देते हैं। चलो रखो, अब इतना सही रहेगा दिखा। हाँ इतना ठीक है, थोड़ा सा कम कर, पहले तेल गर्म हो जाने दो। हाँ तेल रुक जाओ, एक डाल के चेक करो पहले, थोड़ा सा डालो, एक दाना डालोगे पता चल जाएगा। है, हाँ है ना, डालो। मुझे भाई डर लगता है, चिटक उटक का है तो। अब उसमें प्याज डालो। डालो डालो, पास में आके नहीं जल जाएगा, या तो फिर पकड़ो हम बनाएं।
ये देखिए ये खाना बनाने वाले हैं, इनके डर के मारे हालत खराब है। अरे डालो यार, ऐसे ही तुम खाना बनाओगे? अभी नहीं है, पहले चलो प्याज चलाओ। अच्छा। चलाओ प्याज को चलाओ चलाओ नहीं। ए, चलाओ नहीं तुम नहीं चलाओ, पहले तुम चलाओ। थोड़ा सा पास हो जाओ। पहले उसको खाओ नहीं, पहले गंदगी साफ करो। चलो सब प्याज का छिलका डाल के आओ, जाओ प्याज का छिलका डाल के आओ, सही से उठाओ, एक भी छूटने ना पाए। जाओ डाल के आओ इसको डस्टबिन में। नॉर्मली फ्रेंड्स सबके यहाँ खाना इसी तरीके से बनता है, और जितना ये खाने को मन से दिल से प्यार से प्रेम से बनाया जाए। और ये सॉस है, ये सोया सॉस है, ये रेड चिली है, ये ग्रीन चिली है। ख़त्म ही के कगार में है, ख़त्म होने ही कगार में, लेकिन आज हम लोगों का शायद, अरे है यार और भी तो है, ये देखो ये रखा है फालतू, हम लोग परेशान हो रहे हैं। ये देखो ये भरा हुआ रखा है, तो काम चल जाएगा। रेड वाला नहीं है, बहुत ही दिया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पहले चटनी वगैरह डाल देते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं बनाते, हम पहले इसको डाल देते हैं पास के, क्योंकि ये भी थोड़ा सा उसी के सहायता से पकेगा। अब इसे नहीं डालेंगे और भी में। अब क्या डालोगी मौसी? बता रहे हैं ना, अब ये लो ये डाल दो। अब इसमें डालेंगे गैस की आंच थोड़ा सा कम कर देंगे, सोया सॉस थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे, सोया सॉस। इन सब चीज़ों की जब भी आप मात्रा डालेंगे ध्यान रख के डालें कि बहुत ज़्यादा ना डालें, थोड़ी थोड़ी मात्रा में। सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा कम डालियो मौसी, तुम बहुत कम है, सोया सॉस बहुत कम है, बस बस बहुत इतना। तो सबके यहाँ ऐसे ही बनता है ना, हमारी तो चटनी खत्म हो गई है, सबके यहाँ खत्म होती होगी तो ऐसे जाता होगा। रेड वाली चिली हमारे पास नहीं है, वो खत्म हो गई है। तो कोई बात नहीं, तीखा ज्यादा खाते हैं लोग, कोई ज्यादा मीठा नहीं खाता, वो आप अपने टेस्ट अनुसार जितना कम ज्यादा पसंद करते हैं। देखो इस बॉटल में थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं, ठीक? हाँ, तो बच्चे करता जो होगा भी वो भी आ जाएगा, पानी तो इसी में पक ही जाएगा। देखिए देखिए, शायद आपने ये ट्रिक कम ही अपनाई हो, लेकिन हम तो कर लेते हैं भाई, पहली बार हो रहा और बनेगा बहुत टेस्टी जैसे। अरे भैया मसाले की ना तो गायब, डालेंगे। ये है सॉस एक चम्मच भर के, अब भैया एक चम्मच भर के। ये बताइए कौन कौन ऐसा करता है कि सॉस डालने के बाद उसके मतलब बोतल से वो चाटता है? ये है हमारा नमक, नमक रेडी मसाले में नमक रहता है ना, पर तब भी हम थोड़ा मोड़ डालते हैं। वो पास्ता मसाले पहले उसको डाल दो मौसी, दोनों डालेंगे दोनों। तुम ही हो माता, लोग बनाते समय ना गाना गाते हैं, तुम ही हो माता पिता तुम ही। हाँ तो अब चौमिन डाल दो ना, चौमिन तो है सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अगर थ्री ऑप्शंस क्या पसंद है? मुझे सब कुछ पसंद है, जाने से तो ये सब चीजें भोजन खाना ही नहीं चाहिए। अरे हफ्ते में क्या पसंद है? चाउमीन पास्ता की मैगी जो मिल जाता है हम सब खा लेते हैं। अरे भैया बता दो, ये डाला है लहसुन का जो पेस्ट होता है उसका पाउडर, वो मतलब लहसुन को थोड़ा सा कूट के, पानी डालो, उसमें पानी नहीं है यार पानी। अरे देखिए हमारा पास्ता लगभग बन के तैयार हो गया, सभी घरों में ऐसे ही बनता है। हो सकता है कि कुछ लोग इसमें आपको पसंद हो तो आप क्रीम भी ऐड कर सकते हो। क्रीम? हाँ क्रीम, या जो मलाई होती है ना उसे भी ऐड करते हैं लोग, अच्छा लगता है खाने। अच्छा इसको फेंक दिया, ये कोई मौसी दिया है, ठीक। अब इसकी पिक्चर भी ले लो, तुझे फोटो ले लो, लो हम ले लें, देखें तुम पैसे दे रहे हैं। बस बस ये मुझे दो, इसमें इतना ढेर सारा तुमने बना रखा है, कौन खाएगा? मेरा है।
माँ का भी निकालो। माँ की तो प्लेट है, छोटू की नहीं रहेगी क्या? छोटू सो रही है। तो क्या हुआ, सो रही तो उसका हिस्सा मर गया क्या? लो इसमें उसको निकाल दो कटोरी, मुझे इसमें दो, मैं बताती हूँ कितना। इसी में छोटू को रख देने दो और बाकी तुम सब ले लो जितना बचे। बस 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 बस, मैं इतना ही बस, मेरे में ना रखना ठीक।